ट्राई के नए नियम के आने के बाद सबसे बड़ी समस्या किसी के लिए हुई तो वो हुई सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आपका बिल जो है वो लगभग 40% से बढ़ गया था। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, 40% के आसपास अभी रेट को कम कर दिया गया है और आपका बिल अब 40% से कम हो जाने वाला है। मिनिमम ₹50 का फायदा आपको 100% होने वाला है। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर एस शर्मा जी कि जब उन्होंने ट्राई का नया नियम लेके आए थे तब उन्होंने ये बताया था कि मार्केट जब सेटल होगा उसके बाद जरूर प्राइसेस कम होंगे और जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना है उसका फायदा कस्टमर्स को होगा। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि फिलहाल कुछ समय पहले जो एक डाटा आया है जिसके अंदर बताया गया कि लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपना टीवी बंद कर दिया है। दोस्तों इसके बाद काफी ज्यादा समस्याएं ब्रॉडकास्टर्स के लिए आ गई क्योंकि वो लोग नेटफ्लिक्स और बाकी जो अमेजोन प्राइम वगैरह पे स्विच कर रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ब्रॉडकास्टर्स हैं, सोनी है, स्टार है, जी है, इन्होंने अपने प्राइसेस में कमी लाई है। आप लोगों को ये जानकर बिल्कुल बहुत खुशी होगी और बहुत हैरानी होगी कि जो चैनल ₹19 के आ रहे थे उनको कम करके अब सिर्फ ₹12 का कर दिया गया है। टेलीकॉम टॉक ने इस खबर को चलाया है सबसे पहले और उन्होंने बताया हुआ है कि जी के जो चैनल्स आपको मिल रहे थे ₹19 में वो आपको 12 में मिलेंगे, जैसे कि आपको एन टीवी भी 12 मिलने वाला है और साथ ही साथ जो मेन मेन चैनल है सारे ₹12 मिलेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि HD वाले चैनल्स में प्राइस में कमी नहीं लाई गई है, लेकिन जो SD के चैनल है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के उसके अंदर कमी लाई गई है। कलर्स के अंदर भी ₹19 की जगह आपको ₹12 रिचार्ज करना पड़ेगा और साथ ही साथ स्टार इंडिया ने भी अपने प्राइसेस को कम किया है। दोस्तों चार चैनल जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं वो है सोनी, स्टार, जी और कलर्स, और इन चारों चैनल के अगर प्राइस को बात करें तो ₹19 के हिसाब से बनता है लगभग GST लगा के ₹90 के आसपास, लेकिन प्राइस कम करने के बाद ₹12 के हिसाब से जब प्राइस बनाते हैं तो 54 के आसपास बनता है, जो कि 40% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। तो इस चार चैनल पे आपको ₹36 का मुनाफा हो रहा है। अगर इस तरीके से बाकी चैनल्स का भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी प्राइसेस को स्लैश किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक जो पहले ₹2 का था अब ₹1 में मिल रहा है, साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट जो है ₹1 का था वो 1 पैसे में मिल रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामा टीवी जो है वो ₹6 का एक चैनल था जो कि आपको ₹1 में अवेलेबल होगा। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है सभी के लिए क्योंकि हम लोगों का टीवी देखने का जो पैसा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और ट्राई जो है बार बार कोशिश कर रहा था कि इनको कम करें, अदरवाइज ये कम नहीं कर रहे थे क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए ट्राई का कहना है कि जो कस्टमर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम को देख सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम क्यों हुआ है। ट्राई ने एक केस किया हुआ था चेन्नई हाईकोर्ट में, वहां पे वो हार गया था। उसकी बात ये थी कि 15% से कम का प्राइस बुके नहीं हो सकता, मतलब कि अगर ₹19 किसी चैनल का रेट है और बुके के अंदर उसको डाल के 80% का डिस्काउंट दे दिया गया तो ट्राई ने कहा ये गलत सिस्टम है, ऐसे करने पर ये होगा कि फिर से आप बुके बना के कुछ भी चैनल डाल के कस्टमर को दोगे। तो इसलिए ट्राई लगातार प्रेसरत है कि वो 15% ही डिस्काउंट दे, मैक्सिमम 15% जो भी प्राइस है उस पर देना है, उससे कम आप डिस्काउंट ना दें, क्योंकि जब 15% डिस्काउंट देंगे तो जब बुके बनाएंगे तो उसका ही प्राइस उसके आसपास ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि चैनल के प्राइसेस आपको कम रखने पड़ेंगे तभी आप बुके बना सकते हो और उसके अंदर जो चैनल चाहो वो चैनल डाल सकते हो। दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब ट्राई के प्रेशर और दबाव के कारण चैनल्स ने पहले ही कि ट्राई कोई कदम उठाए उससे पहले उन्होंने ₹6-₹7 कम कर दिए और इससे फायदा किसको होने वाला है, इससे फायदा आप लोगों को और हम जैसे लोगों को होने वाला है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि स्टार टीवी, मार टीवी, स्टार जलसा, एशियन, विजय, इन सबके प्राइसेस के अंदर कमी आई है। ये पहले की प्राइस थी और अभी जो फेस्टिव ऑफर में जो प्राइस दिया जा रहा है वो ये है। दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि ये अब 100% हमेशा के लिए होने वाला है या सिर्फ फेस्टिवल के लिए है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग इसका फायदा उठाइए और अपने पैक्स को जरूर चेंज कीजिए क्योंकि अभी पैक के अंदर आपको वही पुराने वाले जो प्राइसेस हैं वो दिए जा रहे होंगे। अब इन प्राइसेस को देखते हुए टाटा इसके सबसे आगे आया है, मैं टाटा इसके साइट पे आपको लेके आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SD का जो चैनल है सेट HD वो आपको ₹22.50 के आसपास में मिल रहा है GST के साथ, लेकिन स्टार प्लस जो है जो कि पहले इतने में ही मिलता था अब आपको ₹14.16 में मिल रहा है, जो कि ₹12 का चैनल हो गया और GST लगा के ₹14.16 मिल रहा है। NTV भी आपको ₹14.16 मिल रहा है, साथ ही साथ सेट जो आपका नॉन HD है वो भी आपको ₹14.16 मिल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर भारी गिरावट हो गई है, आप लोग अपने प्लान्स में जरूर चेंजेस कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या मुझे एक प्लान पे वीडियो बनाना चाहिए। और मैं आप तक वैसे टाटा स्काई के ऊपर तो लेके आ रहा हूं, बाकी का बोलिएगा तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही शानदार जल्द लेके आने वाला हूं ये वीडियो इसके ऊपर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, शेयर इसके लिए करना जरूरी है क्योंकि फेस्टिव ऑफर है, आप लोगों को बेनिफिट उठाना जरूरी है और जो भी आपके जानने वाले लोग हैं
उन तक जरूर इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए, प्लीज पहुंचाइए और प्लीज शेयर कीजिए। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, नहीं है तब भी भाई लोग शेयर कर दीजिए इस इन्फॉर्मेशन को कि सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे आए हैं पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बने रहिए। थैंक यू सो मच।